किसी भी। बताओ आपका क्या अनुभव है इस यहाँ पे आने का? हाँ नहीं ये अनुभव नहीं आप, हाँ यहाँ पे आने का, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जो प्रेत, चुप रहेंगे सभी, जो प्रेत है वो हमने मनुभैया के वीडियो से देखे हुए थे कि वो एक बिंदु मात्र में होता है। हाँ। इस चीज को हमने बहुत मतलब 2-3 महीने से हम इस चीज को देख रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। अभी करंट में ऐसा होता है कि यहाँ दर्द हो जाएगा, इसके बाद में वो बिंदु के रूप में रहता है, जैसे यहाँ दर्द होगा थोड़ी देर में दर्द यहाँ खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ से वो ऐसे तेजी से रोटेशन होता है तो सीने की घबराहट बढ़ जाती है, और जब वो बिंदु मात्र यहाँ सिर में पहुंचेगा तो यहाँ थोड़ा सा भारी हो जाएगा, और जैसे हमको घबराहट होने लगती है मतलब वो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, और जैसे हम अपना आँख बंद करके मानसिक जप करेंगे ओम नमः शिवाय ओम का तो यहाँ की घबराहट कम हो जाएगी और यहाँ थोड़ा दर्द हो जाएगा, मतलब वो यहाँ से घूम के यहाँ हो जाएगा, हम नॉर्मल हो जाएंगे जब घबराहट कम हो जाएगी तो, लेकिन दर्द यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो यहाँ पहुँच गया। ये तो यहाँ का अनुभव है आपका कि, और मैंने आपको बताया भी था कि प्रेत जो है वो एक आकार धारण कर लेता है आपके शरीर में रहते रहते, बिंदु है जैसे आपकी आत्मा ने आकार धारण किया ऐसे वो अपने पुराने आकार पे आ जाता है, जो उसका छूटा था यानी कि उसका सूक्ष्म शरीर फैल जाता है आपके शरीर में, जबकि वो घुसा था बिंदु के रूप में, वो मनु भैया वापिस उसको उसी फॉर्म में करते हैं, ये फॉर्म यहाँ देखने को मिल गई। एक बात बताइए, क्या जब आप करौली कानपुर में गए थे तो ये अनुभव वहां भी हुआ था आपको? नहीं, ऐसा किसी प्रकार से कोई अनुभव नहीं हुआ उस समय, कोई अनुभव नहीं हुआ। उस टाइम आपको घबराहट हुई और उस आदमी ने क्या कहा था? उस समय घबराहट हुई और उस आदमी ने ये बोला था कि दरबार की घबराहट है। दरबार में क्या घबराहट होती है भाई, मुझे ये बताइए कि दरबार की घबराहट है? दरबार की घबराहट नहीं है, केवल इस नाम पर कि, बल्कि हम एक चीज और, बल्कि हम पंडोगा धाम सरकार भी गए हुए थे तो जब जब हमको ऐसी घबराहट होती थी और यहाँ बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती थी तो हमको समझ में आ जाता था कि वो जो बिंदु मात्र का प्रेत है वो सीने में आ गया है और तेजी से ऐसा रोटेट कर रहा है। हम 2-5 मिनट बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम का जप कर लेते थे मानसिक रूप से और हम ठीक हो जाते थे, दर्द यहाँ हो जाता था उस समय यहाँ पहुंच जाता था। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करने लगे जब ये 2 लाख रुपए वहां देके आए और इनको पता चला अभी 2.5 लाख रुपए और मांग रहे हैं, नहीं दो, जो आपका 1.5 लाख का खर्चा था कितना एक्चुअली में अमाउंट आपने कितना दिया था? 1,51,000 रुपए दिया हुआ था स्टार्टिंग में, 5100 मतलब टोटल मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1,80,000 तक पहुंच गया है आराम से। 1,80,000 तक, उसके बाद किस तरह के खर्चे उन्होंने बताए हैं जरा बताना जरा मुझे। उसके बाद में 51,000 रुपए का मृत्युंजय मंत्र, 51,000 रुपए का मृत्युंजय का हवन कराते हैं। हाँ। और फिर लेपन वगैरह का चार्ज है, यदि एक व्यक्ति लेपन 1 महीने के लिए भी कराता है तो 7,500 रुपए का एक व्यक्ति का लेपन पड़ता है 1 महीने का, उस हिसाब से यदि आप 12 का लगाओगे तो 12×72 = 84 समथिंग ये पहुंच जाएगा, 1 लाख के करीब एक आदमी का आराम से। और घर में अगर 6 सदस्य है तो 6 सदस्य है तो आप मल्टीप्लाई 7×42 आराम से 40 का कर दीजिए, 8×48 5,80,000 के करीब का पड़ेगा। हाँ तो इतना महंगा लेपन है उनका जी ऐसा, और आपका बताते हैं कि पूरे घर का तंत्र कट जाता है, क्या आपका तंत्र कटा? नहीं अभी तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि इस किसी प्रकार से तंत्र कटा है उनका, उनका नहीं आपका, हमारा आपका वहाँ कोई भी लाभ हुआ, तिनका मात्र भी नहीं, 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 नहीं वहाँ से उल्टी हानि, वहाँ से किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ से उल्टा और नुकसान ही हुआ था। बल्कि हम आपको ये भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, जब हम करौली शंकर महादेव से आए, ये हम बिल्कुल रियल बता रहे हैं, तो पता नहीं मतलब उनके प्रति हमारे ऐसे भाव आ गए, घृणा टाइप की हमारे अंदर पैदा होने लगी, इतना पैसे भी ले लिया ठीक भी नहीं किए, फिर हम सब कुछ समर्पित करके जब आप यहाँ दावा करके गए थे कि मैं वनडे में ठीक हो गया हूँगा, जी हाँ बिल्कुल, तो आपकी स्मृतियों से उन्होंने रोग को दुख को डिलीट नहीं किया आपकी स्मृतियों से? कुछ नहीं, बल्कि रोग और बढ़ गया था, और हम जब आए थे अपने मतलब हॉस्टल वगैरह में तो समझ लीजिए कि इतने सारे प्रेत हमारे साथ में आ गए होंगे और पता नहीं वो कौन तंत्र का देवता था, फिर सब कुछ समर्पित करके जब हमने ओम नमः शिवाय ओम का जप करना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे शांति मिली। अच्छा, बल्कि ऐसी नौबत भी आए उनके जब से पहले कि आपको ये दर्द पूरे शरीर में रहते थे? स्टार्टिंग में जब हमने ओम नमः शिवाय ओम का जप करना शुरू किया था तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन यहाँ सीने में बहुत दर्द होता था, यहाँ इस साइड पीछे साइड में पीठ साइड में सारा का सारा दर्द। हाँ, चौथे पांचवें दिन में दर्द खत्म होने लगा, हमारी घबराहट भी ऑटोमेटिक सही होने लगी। मनु भैया ने जब बताया दुनिया को ओम नमः शिवाय ओम, इन्होंने बिना आए करौली कानपुर में शंकर महादेव के यहाँ पैसे देके, शंकर महादेव तो क्या है घंटा, देश का मूर्ख बना रहा है करौली शंकर महादेव के नाम से, ठीक है कि नहीं, मूर्ख बना रहा है देश का, वहां 1.5 लाख रुपए देके उल्टे इसके रोग बढ़ गए। तब इसने पहले हमारी वीडियो देखी हुई थी, इसने ये सोचा ये आदमी तो छोटी सी कुर्सी में बैठता है, लोगों के बीच में रहता है, हो सकता है इसके बस की कुछ ना हो, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि करौली कानपुर के जितने लूटे पीटे हैं वे शनि धाम में आकर ठीक होते हैं, और वहां केवल फ्रोडेंट है,
प्रोडेंट के अलावा कुछ नहीं है, और उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता के बहुत सारे अधिकारी भी शामिल पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ठगी कोई आसानी से नहीं कर सकता बिना सत्ता के अधिकारियों की सहमति के। तब इनको जो पता चला, क्या कहते हैं कि इनको वहां पे जाके दर्द घबराहट बढ़ने लगी, तब इन्होंने पूछा कि मुझे वहीं चिल्लाए, चिल्लाए ना वहीं चिल्लाए, और इनको चुप कर दिया गया, माइक को पीछे कर दिया गया, और वो वीडियो भी नहीं डाली गई जब ये चिल्लाए। उनने बोला थोड़ा स्लो बोलो, ऐसा बोला था, मतलब हमने तेज साउंड में तो बोला था। वीडियो डाली आपकी? वीडियो नहीं डाली, वीडियो हमारी डली ही नहीं है, और हमारे दिस मतलब हमारा जिस दिन हुआ था उस दिन में किसी की वीडियो नहीं डली। क्यों? क्योंकि आप जोर से बोल गए थे। हाँ, और आपने क्या कहा था? हमने ये बोला था गुरुदेव से, गुरुदेव ये जो घबराहट बढ़ रही है इसी का इलाज कराने आए हैं हमने, मतलब आपने बताया था हवन कर दिया, वो तो हो गया, अभी इस घबराहट को ठीक कीजिए। तो गुरुदेव देख के बोलते हैं कि ये दरबार की घबराहट है, लेकिन हमने अंदाजा सिर्फ इसलिए लगाया कि यार दरबार की घबराहट इसके पहले तो होती थी, तो इसके पहले भी दरबार की घबराहट थी, अभी भी दरबार की, ये हमने खुद अंदाजा लगाया, और फिर हमको समझ में नहीं आया, फेक टाइप का लगा, तो फिर हमने हटा दिया, पैसा देके हटा दिया। मतलब फिर आगे की कोई प्रोसेस नहीं की, आगे की कोई प्रोसेस नहीं की। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए लेने के बाद, वनडे चिकित्सा करने के बाद, जो आगे की प्रोसेस है वही 2.5 लाख रुपए के लगभग की है। यही बताया गया। क्या बताया गया? और उससे पहले वो बात बताई नहीं जाती है। अब 2.5 लाख इसलिए मांगे जाते हैं ताकि ये आदमी 1.5 लाख का हिसाब ना मांगे और 2.5 लाख रुपए अलग और से दे ना पाए। तब क्या होगा? तब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी इसको ये कहने की, भाई तूने धाम की प्रोसेस को पूरा नहीं किया इसलिए ठीक नहीं हुए, आधे अधूरे रह गए, तुम्हारे हवन के पुण्य खत्म हो गए। देखिए, आपने अगर किसी को ठीक करना है तो ठीक ही करना है, हवन का पुण्य कम या ज्यादा नहीं होता। आपने जितना हवन किया उसका पुण्य आपके साथ रहता है, उसको दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, ना कोई उसको बढ़ा सकता तांत्रिक, और ना कोई उसको घटा सकता। भगवान भी उसको चाहे तो भगवान भी इतने समर्थ नहीं है कि किसी ने हवन किया और उसका पुण्य हटा दे। आया ना समझ में? भगवान की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि किसी ने जप किया हो, उसके नाम का नाम लिया हो और वो उसको फल ना दे। मैं भगवान की औकात की बात कर रहा हूं। भगवान की औकात ही नहीं है ऐसी कि भगवान का किसी ने जप किया हो और भगवान उसका फल ना दे। जगत मजूरी देते क्यों रखे भगवान? इतने विशाल हृदय के भगवान है, अपनी औकात उन्होंने ऐसी बनाई है, जो जितना कमाएगा जितना फल लेगा, और जो जितना नाम लेगा उसको उतना ही फल देंगे। ज्यादा तो दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। यानी कि कोई भी दुनिया में आपके द्वारा किए गए हवन के पुण्य को ना नष्ट कर सकता है और ना बढ़ा सकता है बिना भगवान की इच्छा के। और कोई ऐसा भगवान भी नहीं हो सकता दुनिया में कि कोई 3 बार ओम नमः शिवाय ओम बोलेगा, कांटा मारेगा और बैलेंस कर देगा आपके जीवन को। ठीक है, अगर करता है तो हरजीत बच्चे का क्या कसूर था? ये भी तो 1,71,000 रुपए लगभग हो गया है, इसने भी तो 5100 रुपए में काले गेंडे का दर्शन किया है। नहीं, फिर ओम नमः शिवाय ओम से कैसे ठीक हो गया ये? फिर इसकी दरबार की घबराहट कहाँ चली गई? इसके कंधों के वजन और दर्द कहाँ चले गए? अब कितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है क्या? नहीं, अब पहले से तो आराम है, अभी 100% आराम तो नहीं लगा, लेकिन पहले से काफी आराम है, ये तो है। लेकिन आपको शनि धाम में आके क्या लगता है, आप क्या बता सकते हैं? शनि धाम में हम ये है कि यदि इसको कंटिन्यूएशन में हम यदि जप भी करते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, यदि थोड़ी सी चीज बच भी जाती है तो जप से सही हो जाएगी। पहले से काम के बारे में क्या ख्याल है आपके? मनु भैया के बारे में भी तो कुछ होगा, शनि भैया गोबर गणेश है। नहीं, गोबर गणेश क्यों कहा जाता था ध्यान से सुनिए, गोबर गणेश और गोबर के हनुमान जी, ये दो मंदिर हैं आगे ना इस पूरे विश्व में, इस पूरे भुवन में, एक गणेश जी के भक्त ने बनाया था और दूसरा राम गुलाम जी महाराज ने बनाया था। ठीक है, भगवान में इतनी श्रद्धा थी, हनुमान जी की जो है ना उपले से यानी कि गोबर से थेप के मूर्ति बना दी, और वो आज तक पुष्टि है, वो बड़ा सिद्ध मंदिर है और उसका बाल बांका नहीं होता है, वो गोबर जैसे पत्थर बन गया हो। आया समझ में? इस तरह से ऐसे भक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन लोगों ने ना इसका अलग अर्थ निकाल लिया, गोबर गणेश का मतलब ही अलग निकाल लिया, तो गणेश है तो गोबर नहीं है और गोबर है तो गणेश नहीं है, इस तरह से बताइए। नहीं, सही है, यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, आपको मंत्र की शक्ति के माध्यम से सही किया जाता है, और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ रहे ऑलरेडी, ये हमारा कार्य किया जाता है, नहीं कोई छिप के कार्य नहीं किया गया, और हम किसी से अलग से बुला के पैसे लिए जाते हैं, ना किसी से कोई अलग से बुला के कोई पैसा भी नहीं लिया जाता, और बिल्कुल सही दरबार है, मंत्र की शक्ति का है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, और बात ये भी है अपनी अपनी श्रद्धा का है, यदि आपके अंदर अगाध श्रद्धा है, मतलब अटूट विश्वास है, तो हो सकता है आप एक दिन में ठीक हो जाओ। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपने ये बात कही कि किसी को जल्दी आराम लग जाता है और कोई देरी में भी ठीक होता है,
जैसे एक व्यक्ति की अभी आपने ताली बजाई, वो 80 साल का है या 70 साल के करीब का है, और उसकी जो क्रिया थी वो बहन जी जानती है, इनके पास के वो लोग हैं, और वो जानती हैं कि उनको सबने देखा होगा, हमने कांतारा के नाम से उनकी एक वीडियो बनाई है, और एक वीडियो में उनका प्रेत किसी से लड़ता है, और उनकी ऐसी हाजिरी आती थी कि सांस दम घुट घुट जाता था, और वो हाजिरी पे हाजिरी लेते जाते थे है करके, और बहुत ताकतवर तरीके से, एक एक घंटे नहीं, कई कई घंटे तक यूं जोर लगा के ओ ओ ओ ऐसे करके। आपने किस किसने देखा, हाथ खड़े करें पहले तो उनको देखिए। और एक दिन मैंने 2 घंटे दिए, उस दिन के बाद से आज तक उनकी हाजिरी नहीं आई है, आपने भी उनकी ताली बजाई है, फिर अब बात ये आती है कि आपका एक ही फीवर है, एक फीवर आदमी को चढ़ा, किसी को एक टैबलेट में ठीक हो गया, वही फीवर था, किसी को वो रुक गया 10 दिन में भी ठीक नहीं हुआ, वही फीवर है, किसी को वो 40 दिन में ठीक हुआ, वही फीवर है, रूप अलग हो गया उसका, डॉक्टर ने कह दिया भाई इनको तो टाइफाइड हो गया है, वो किसी का 1.5 साल में उतर रहा है, वही फीवर है, वो किसी का क्षय रोग में बदल गया, फिर 6 महीने तक लगातार उसकी दवाई चली तब जाके वो आदमी बचा, वही फीवर है, वो क्षय रोग बिगड़ गया तब उसकी 2 बार 6-6 महीने दवाई चली तब जाके वो आदमी बचा, वही फीवर है, वही फीवर चढ़ते 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 उस आदमी को कैंसर की हालत तक ले आया और फिर वो आदमी मर गया, वही फीवर है, वो फीवर बिगड़ते 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 पीलिया की उसमें ले आया, फिर आदमी चला गया। तो फिर कैसे सोच सकते हो कि सारे आदमी एक साथ ठीक हो जाएंगे, कैसे सोच सकते हो कि तंत्र चुटकियों का काम है, जो आपके शरीर में 16 साल से 20 साल से जो चीजें निवास कर रही हैं, आप कैसे सोच सकते हो आपके घर से मिनटों में निकल जाएंगी, चंद मिनटों में, ये केवल पैसा देने की प्रोसेस है, केवल आप पैसा दे के आएंगे और इतना पैसा दे के आएंगे कि आगे आपकी हिम्मत टूट जाएगी, कोई सत्य का दरबार होगा, कहीं पे आपको वजन मिलता होगा, कहीं पे आपका भजन होता होगा, कहीं पे आपको सुख सुविधा मिलनी है, कहीं पे आपके कुल और वंश को गति मिलनी है, कहीं पे आपको ठीक होना है, वहां आप जा नहीं पाओगे, यानी कि मनु भैया के दरबार तक आप आ नहीं पाओगे। ये दुनिया का ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य दरबार है, सत्य हमारा सत्य चैनल भी था, ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, कोई भी आदमी आए तुलना कर ले कि यहाँ के ठीक होने वालों की कितनी संख्या है और कहीं और के ठीक होने वालों की कितनी संख्या है, और केसों की भी स्टडी कर ले कि ये केस पहले ऐसा था, अब ऐसा है, अब आगे ऐसा हो जाएगा, और इसमें ये दिक्कत थी, ये है अभी और ये आगे जाने वाली है। दुनिया में कहीं भी प्रेत आदि को पितरादि को का उत्थान नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है, और चुटकियों में तो कभी उद्धार नहीं होता, बस कोई आदमी आपकी मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जैसे मैं कहूं सामने खड़ा करके किसी को कोई सिगरेट दारू बीड़ी पीता हो और उसको कहूं तो सिगरेट पी, पहली बात तो वो मेरी इतनी इज्जत करता है कुछ हद नहीं, तो वो मेरे सामने सिगरेट पी ही नहीं सकता, और कई बार घबराहट चढ़ जाती है, और कई बार जो विचार है वो मंदिर में सिगरेट ना पीने का होता है, तो इसको ये नहीं कह सकते, या अब मैं आपको ये कहूं खड़े हो जाओ और देखो अब दारू पीने का भाव आता है कि नहीं आता है, तो कौन कहेगा किसी की दरबार में कि जब उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती लेके आई है दारू छुड़ाने के नाम की, तो कौन कहेगा मेरा दारू पीने का भाव है, कह देगा कोई नहीं, नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कहने की, आया समझ में। तो इसलिए लोग जो है वो क्या कहते हैं, जैसे आप खारा पानी है, खारे पानी की बोतल ले आए मेरे सामने खड़े हो गए, मैंने कहा हम जाओ, मैंने मीठा कर दिया, अब वो मेरी लाज रखने के लिए कुछ ना कुछ ये कह ही देगा कि जी मीठा तो लग रहा है पर थोड़ा कम लग रहा है, ये तो कह ही देगा, तो बेटा थोड़ा हो गया अगली बार में और ज्यादा हो जाएगा, जाओ और सारा पानी मीठा हो जाएगा। ऐसे ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे वाक्य जिन दरबारों में होते हैं वे केवल झूठ और फ्रॉड पर टिके होते हैं, वे केवल आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, आपको चक्री देते हैं, और वे किसी को कोई तंत्र की क्रिया नहीं सिखाते, आपसे थोड़ा बहुत जाप करा देते हैं, जबकि खुद जप नहीं किया पूरी जिंदगी, खुद को तो ये कहते हैं कि हमें तो गुरु की कृपा हो गई, खुद पूरी तू गई है क्या वहां, खुद पूरी जिंदगी कभी जाप नहीं करते, और फिर कह देते हैं कि हमें तो ये सारी विद्या ऐसे प्राप्त हो गई, कोई विद्या नहीं थी, एक आदमी मरा हुआ है वो तंत्र करता था दुनिया पे, उस मरे हुए आदमी को जैसे आज आप देखिए एक ओम बनना है, क्या है ओम बनना, कोई भी व्यक्ति अपनी 13वीं तक स्थूलत्व को ग्रहण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी 6वीं तक स्थूलत्व को ग्रहण कर सकता है, यानी कि उसकी मोटरसाइकिल चलती थी और वहां पहुंच जाती थी, क्या महीने चल के पहुंची, क्या आज भी मोटरसाइकिल चल रही है बताइए मुझे, नहीं चल रही ना, अब चलती है मोटरसाइकिल बताइए मुझे, अब नहीं चलती, और दुनिया भर के उसके मंदिर बना दिए गए, 100-200 साल बाद ओम बनना भगवान बन जाएगा, बन गया ना, कितने मंदिर हैं, खूब सारे मंदिर बना दिए राजस्थान में,
बन गया भगवान। ऐसे बहुत सारे लोगों को कुछ काल बाद भगवान बना दिया जाता है और उनकी पूजा इस संसार में होती रहती है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम जीते जी अपनी ऐसी मूर्तियां स्थापित कर जाए ताकि मरने के बाद हमारी मूर्तियां स्थापित हो जाए और हमें लोग पूछने लगे भगवान बना के। क्यों? क्योंकि वो इस सृष्टि के रहस्य को थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। और रहस्य एक ही है कि आदमी जितना पढ़ता जाता है वो दूसरे को तो अंधविश्वासी बोलता जाता है लेकिन खुद वो अविश्वासी हो जाता है और ऐसी ऐसी जगह जाके जाल में फंस जाता है। जैसे पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा, क्या सोचेगा कि नहीं अरे यार वहां तो ऐसे ही टूटा हुआ खंडर है, एक टेंट लगा हुआ है, मनु भैया तो ऐसे देखते हैं। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये लोगों के बीच के आदमी हैं, ये लोगों में पैदा हुए हैं, इन्होंने हर प्रकार के मौसम देखे हैं, इन्होंने आती जाती ऋतुएं बहारें देखी है, इन्होंने अरबों पतियों को भिखारी होते हुए देखा है, इन्होंने भगवान की विशद महिमा देखी है, इन्होंने भगवान को छुआ है, देखा है, जाना है, पहचाना है। ठीक है, और इन्होंने मंत्र शक्ति से उस ईश्वर को सामने उपजाया है। ठीक है, और तो इनका बीज जो है वो काफी प्रखर होगा और वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष होगा कि इसकी छाया में जो भी बैठेगा वो सुख पाएगा। इसलिए मनु भैया के पास जो भी आता है चाहे वो कैसा भी भाव लेके आता हो लेकिन उसको कुछ ना कुछ सुख जरूर मिलता है। बाकी आपको पता है कि कानपुर आप जाओगे तो चुस्के ही आओगे, यानी कि एक शाइन चूस होती है ना, उसमें पानी भरा होता है, पहले आप भरे होते हो फिर आपको यूं करके निचोड़ दिया जाता है, जैसे ये भाई निचड़ के आया है। ऐसा ये अकेला नहीं है, ये बता रहा है दिन में 30 आदमी ऐसे निचोड़ लिए जाते हैं 2-2 लाख रुपए से, और बहुत सारे तो जो विदेश से आया 4-5 लाख रुपए दे देगा। पहले मनु भैया का इस फील्ड में नाम होता था, ठीक है, लेकिन उसने एक लड़की को भेजा, यहाँ की प्रक्रिया है, पहले तो वो एक त्रिशूल पकड़ाता था और क्या कहते हैं एक ना उसमें नहलाता था पोखर वोखर में, और आदमी का सर या लड़की का सर या औरत का सर नीचे दे देता था या फिर उसमें पानी डालता रहता था। उसकी ये प्रक्रिया कम में के दुनिया की सबसे विशाल प्रक्रिया बन गई, ये कोई समझ में नहीं है। जैसे वो बचपन से जालसाज टाइप था, किसी के कितने पैसे मार लिए, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, और कम में के वो भगवान बन गया, ये दुनिया की समझ में आया ही नहीं। एक आदमी अपने व्यवहार में बदलाव कर दे, ठीक है, वो कुछ भक्ति करने लग जाए, ठीक है, उसमें परिवर्तन आ जाए, वो पहले बदमाश था अब भगवान का भक्त बन गया, ये बात तय है, लेकिन फिर उसकी आदतें भी तो बदल जाती है ना, बदलती है कि नहीं बदलती है? ये तो है नहीं कि वाल्मीकि जी रामायण भी लिखने लग गए और चोरी भी करने लग गए, ऐसा दो काम तो एक साथ नहीं चलेंगे ना, नहीं चलेंगे। लेकिन एक आदमी आज लोगों को ठग भी रहा है और भगवान भी बन गया, अपनी पूजा भी करवा रहा है और ईश्वर भी बन गया, अपना नाम खुद ही रख लिया। अब कह रहा है कि गुरुजी ने रखा तो फिर पहले 6 साल क्यों नहीं था जब आपने काम किया, अभी कैसे रख दिया गुरुजी ने? गुरुजी तो मर आ गए, आ गए ना, गुरुजी ने कहाँ रख दिया, फिर गुरु माता ने रख दिया। अरे भाई गुरु की कोई गुरु माता होगी? या हमारी पत्नी को मुझे आप गुरु मान रहे हो और हमारी पत्नी को आप गुरु माता मान रहे हो, ऐसे ही कहते हो ना गुरु माता? ठीक है, तो मैंने उससे शादी की है तब वो गुरु माता हुई है, ठीक है, आया समझ में? और बिना शादी किए मेरे साथ कोई औरत बैठी हो आप उसको भी गुरु माता कहोगे? नहीं, ये सभ्य समाज की सभ्य महिलाएं हैं। तू जिसको गुरु माता बांध के वो कराया पूजाया वो गुरु माता नहीं थी। माता कामाख्या को पूजा है, खाली जो शिव की पत्नी है बस, इसके अलावा नहीं पूजा किसी। और वो जो वहाँ वो लिए बैठी है बीड़ा, माता कामाख्या को पूजा था, बीड़ा और देती उसको, एक दिन उसको सरस्वती बना दोगे तुम, ब्रह्मा जी बना दोगे है भाई? सही है। नहीं आपने क्या किया, पढ़ाई में क्या किया? हमने बीटेक किया हुआ है, इसको बीटेक वाले का बौद्धिक स्तर जमीन में चला जाता है क्या? नहीं, वो समय ये समझ में नहीं आता, परेशानी बहुत ज्यादा थी, गेट निकाला यूपीएससी का जो एग्जाम है कलेक्टर का। आपने सारी दुनिया को कहा, अपने अपने आसपास के जानने वालों को सबको कहा कि मैं एक मिनट में चंद मिनटों में ठीक होके आऊंगा, कहा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उस आदमी के बल पे। इसका मतलब उसने फ्रॉड किया, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं वनडे चिकित्सा में आदमी के सारे रोग ठीक कर लेता हूँ एक ही दिन में, आपका कुछ ठीक नहीं हुआ। एक बात दूसरा, अब तो वो कह देगा तू वहां चला गया मनु भैया के यहाँ, तेरे पुण्य नष्ट हो गए, अब तो पुण्य भी नष्ट कर देगा तेरे, अब तू कहेगा भी तो। एक दूसरा, आपके पास कोई पर्ची नहीं है कि आप वहाँ कुछ देख के आए थे? नहीं, ऐसी कोई स्लिप नहीं है, 5100 की स्लिप है हमारे पास में। 5100 की, वो ये कह देगा भाई ये तो मेरे दर्शनार्थ है और मैं आपको हो सकता है 2.5 साल पुरानी भी स्लिप अभी दिखा दूं, ये देखिए।
ये शनि धाम की 4000 रुपए की स्लिप है 2021 की, दिख गया? दिख गया है? है ना? अब देखिए, अब तो हम क्या काटते नहीं, अब तो हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ हवा नहीं होता है। अच्छा गुरु जी, ये चेक कर लीजिए कितना तक बचा है अभी, क्योंकि अभी वो बीच में यहाँ पहुँच गया था तो थोड़ा घबराहट बढ़ गई थी अभी, और फिर वो अभी वहाँ जब